हेलो गाइज, वेलकम टू विंटर शूट्स। मेरा नाम है राहुल और दोस्तों, एसुस जेनफोन मैक्स प्रो की आज है पहला प्री ऑर्डर मई 3 को फ्लिपकार्ट पे 12 बजे से। और दोस्तों, कल ही रात को अपडेट आई है जेनफोन में एसुस की तरफ से, जिस अपडेट से आपको फेस अनलॉक का फीचर अब मिल जाता है इस फ़ोन में। फिंगरप्रिंट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कैमराज वैसे के वैसे ही हैं। ये जो अपडेट है ये 1.3 GB की है, 28 अप्रैल का ये बिल्ड का डेट है, और इसमें गूगल का 1 अप्रैल का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, फेस अनलॉक की जो परफॉर्मेंस है एसुस की, वो नोट 5 प्रो के कंपैरिजन में थोड़ी फास्ट है, और फिंगरप्रिंट की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो है अभी भी, वैसे ही जैसे पहले थी। अब दोस्तों, आप में से कई लोग, पिछले वीडियो में मैंने यही बात कही थी, लेकिन कई लोगों के नेगेटिव फीडबैक भी आ रहे थे, तो मेरी बात शायद वो क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे। मैं अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कह देता हूँ फिर, कि देखिए, पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो डिपेंड करेगा कैमरास पे। फ्रंट कैमरा एसुस का कुछ खास नहीं है, बहुत ही एवरेज है फ्रंट कैमरा कंपेयर्ड टू एनी अदर फोन इन दिस प्राइस ब्रैकेट। चाहे आप Honor 9 Lite लें, 7X लें, Redmi Note 5 Pro लें, सभी के फ्रंट कैमरास बेहतर हैं आपके एसुस के फ़ोन से। तो फ्रंट कैमरा आपको इग्नोर करना पड़ेगा एसुस का फिलहाल के लिए। और रियर कैमरा की जहाँ तक बात है, तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टेबलाइजेशन नहीं है, यही उसका मेन ड्रॉबैक है। तो ये दो चीज़ें अगर आप इग्नोर कर सकते हैं, तो आप आज 12 बजे की सेल, प्री ऑर्डर सेल है, आप उसमें बुक कर सकते हैं एसुस का ज़ेनफोन, और आपका एक्सपीरियंस अदरवाइज बढ़िया रहेगा। तो अगर आपका बजट 15,000 रुपये तक है, तो एसुस का 6 GB वेरियंट शायद इस कैमरा को भी इम्प्रूव कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 15 जून तक, जो कि काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप वेट कर सकते हैं कि नहीं, तो वो आप देख लीजिए। तो कैमरा के ऊपर है दोस्तों पूरा डिसीजन। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।